हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेडियो शो। गाइस, हम लोग आप लोग जब भी मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर पे या फिर किसी भी डिवाइस पर हम लोग किसी भी वीडियो को चलाते हैं या फिर गाने सुनते हैं तो हम लोग उसके साउंड को जो एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों के माइंड में एक सवाल उठता है। गाइस, आप लोगों ने किसी भी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें साउंड वाले सेक्शन में जाकर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि इस डिवाइस में इतने बिट का साउंड है। तो गाइस, आखिर ये बिट्स होते क्या? अगला टॉपिक क्या है कि KBPS या फिर किलोहर्ट्ज, ये जो है हमारे साउंड में क्या काम करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम लोग बिट्स की बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि कंप्यूटर कैसे काउंट करता है, 8 बिट, 10 बिट या फिर 12 बिट या फिर और भी ज़्यादा बिट्स क्या होते हैं। तो लास्ट की वीडियो में मैंने ये समझाया था, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा उसको रिज्यूम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर लेता हूँ कि वो क्या काम करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम ह्यूमन जो है किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर का यूज़ करते हैं, वो नंबर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9 तक। अब इसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए 0 और 1 का यूज़ करता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। अब बिट्स की बात करें तो मान लीजिए कि 8 बिट, यानी कि 8 बिट में 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। बिट कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 बिट के अंदर जो कंप्यूटर जो है काउंट कर सकता है 0 से 255। इसी तरीके से 10 बिट में 0 से 1023 यानी कि 1024 नंबर ऑफ काउंटिंग कर सकता है कंप्यूटर 10 बिट के अंदर। इसी तरीके से हम लोग बिट्स बढ़ते जाते हैं तो कंप्यूटर का जो कैपेसिटी है नंबर काउंट करने का वो भी बढ़ता जाता है। तो कंप्यूटर तो सिर्फ काउंट करता है नंबर को, लेकिन इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, हम लोग ह्यूमंस यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि कलर्स के लिए हम लोग 8 बिट या फिर 10 बिट यूज़ करते हैं, लेकिन साउंड के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। साउंड के केस में हम लोग आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले गेमिंग कॉन्सोल्स में देखा करते थे कि 8 बिट का साउंड यूज़ किया जाता था, तो उसके साउंड की क्वालिटी को आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उसका साउंड कैसा हुआ करता था। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं 24-bit ऑडियो या फिर 32-bit ऑडियो। अब गाइस, हम लोग आज की वीडियो में बात कर रहे हैं साउंड के पर्पस से, यानी कि साउंड के पर्पस से बिट्स का जो मतलब है अलग निकलता है। अगर हम लोग कलर्स की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, तो उसमें उसका पर्पस होता है कलर्स का शेड, यानी कि कंप्यूटर काउंट करता है उसके अलग अलग शेड्स को। गाइस, हम लोग इस वीडियो में साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बिट्स का मतलब कुछ और निकल जाता है। मतलब कि बिट्स में तो काउंट होगा, सिर्फ नंबर ही काउंट होगा, लेकिन कंप्यूटर काउंट करता है इसके में अलग अलग टोन्स को। अगर बात करें हम लोग 8 बिट ऑडियो के अंदर, तो उसमें 0 से 255 तक अलग अलग टोन्स का यूज़ करके, यानी कि 255 जो है अलग अलग टोन्स का यूज़ करके आवाज़ को, म्यूजिक को निकालता था गेम्स में। लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करें 16 बिट ऑडियो की, तो 16 बिट ऑडियो में क्या होता है कि हम लोगों को अप्रोक्स 65,000 से भी ज़्यादा जो है उसका अलग अलग टोन्स को मिलता है जनरेट करने के लिए कंप्यूटर्स में। तो 16 बिट ऑडियो 8 बिट से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसके मुकाबले यहाँ पर 255 वैल्यूज़ को हम लोग काउंट कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग 65,535 जो है अलग अलग टोन्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है 65,535 अलग अलग टोन्स को क्रिएट करके साउंड को क्रिएट कर सकता है। अब गाइस, टोन्स होते क्या है आखिर में? अब गाइस, जैसे ही मैंने हेलो बोला तो इसमें अलग अलग टोन्स का यूज़ हो रहा है। अब हम लोग चलिए चलते हैं कि KBPS या फिर हर्ट्ज क्या होता है, किलो हर्ट्ज क्या होता है ऑडियो में। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर दूर कहीं जाना है। तो गाइस, मैं कहीं भी जा रहा हूँ अपने बाइक से, तो मैं किसी ना किसी स्पीड से चलूंगा। मान लीजिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं अपने बाइक से चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, उसमें स्पीड हो गया। इसी तरीके से साउंड के केस में क्या होता है कि हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि 44.1 किलोहर्ट्ज़ या फिर 44 किलोहर्ट्ज़ या फिर 144 किलोहर्ट्ज़ या फिर 382 किलोहर्ट्ज़ का जो है इसका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि स्पीड होता है ऑडियो को रिकॉर्ड या फिर प्ले करने का। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए कि अभी मैं अपने कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली मेरा आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है, कि मेरा जो आवाज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ, इसको मेरा मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है कि माइक्रोफोन से वो रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है, और इसको फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। कंप्यूटर कुछ भी करता है तो नंबर्स से ही करता है। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये बेसिक सा प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को काम करने का। अभी हम लोग बाइक का एग्जांपल ले रहे थे कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो वो हो गया बाइक का स्पीड। अब यहाँ पर साउंड की स्पीड में हम लोग देखें, साउंड के केस में, तो यहाँ पर किलो हर्ट्ज काम आता है कि मेरा जो आवाज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ, वो कितनी स्पीड से मेरे फ़ोन में सेव हो रहा है, वो किलो हर्ट्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा किलो हर्ट्ज होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से मेरा जो आवाज़ है रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है गाइस कि KBPS
यानी कि किलो बिट्स पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बाइक के केस में हम लोग देखें तो हम लोग स्पीड से तो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर स्पीड है। अब स्पीड ला कौन रहा है? बाइक में जो पहिया लगा हुआ है वो जो रोटेट कर रहा है वो स्पीड ला रहा है। तो गाइस एक सेकंड में या फिर एक मिनट में मेरा जो बाइक का जो पहिया है कितनी बार घूम रहा है, कितने रोटेशन कर रहा है, ये भी मायने रखता है। क्योंकि जब तक पहिया घूमेगा नहीं तो फिर स्पीड कहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से साउंड के भी केस में होता है। तो गाइस साउंड के केस में क्या होता है कि मेरा जो आवाज़ है किस स्पीड से रिकॉर्ड हो रहा है ये डिपेंड करता है किलो हर्ट्ज में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये मेरे माइक्रोफोन से जाकर कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो रहा है, यानी कि फोन के मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अब मेमोरी में स्टोर होने का मतलब KBPS, मतलब कि किलो बिट्स पर सेकेंड। अभी मैंने सेट करके रखा है अपने डिवाइस में 128 KBPS का जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होगा। पर 128 KBPS कहने का मतलब क्या हुआ गाइस कि अब जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो नंबर के फॉर्म में जो स्टोर हो रहा है मेमोरी में, वो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता होगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने 128 KBPS पर इसको सेट करके रखा है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा फोन क्या कर रहा है कि एक सेकंड में 128 KB डेटा मेरे मेमोरी में स्टोर हो रहा है, यानी कि फोन के मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अब इसी तरीके से मैं जितने देर तक बात करता रहूँगा, जितने देर तक बोलता रहूँगा, उतना जो डेटा है हर सेकंड 128 KB डेटा जो है मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। अब गाइज ये तो हो गया कि रिकॉर्डिंग का केस। अब इसी तरीके से सेम होता है प्लेबैक में। अब गाइस हम लोग कोई सा भी गाना सुन रहे हैं, अगर आपका फोन जो है 32-bit ऑडियो को सपोर्ट करता है, लोगों को उसके जो आवाज़ का क्लियरिटी और क्वालिटी जो है कुछ ज़्यादा ही बेहतर लगेगा। तो आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि 32-bit ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू 24-bit या फिर 16-bit। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग सकता है ये जो 32-bit ऑडियो या फिर KBPS जो है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेहतर मिलेगा एज कम्पेयर टू उससे लो वाला जो ऑडियो डिवाइस है, उससे ज़्यादा बेहतर आउटपुट हम लोगों को ज़्यादा बिट डेप्थ वाले में मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।